चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। यार नवीर, बड़े अरसे के बाद जूती पहनी, मुझे लगता है कुछ टाइट हो गई है। मैं मुसा, मुझे लगता है आपके मुंह की तरह पड़े पड़े हुए आपके पाँव भी बड़े हो गए यार। जी आप लोग रेडी हैं? जी। नबील, तुम गाड़ी में पानी के कैन और कोल्ड ड्रिंक रखोगे? ओके जानू, ठीक है। महमूद साहब, आप फुटबॉल रखें। अच्छा ठीक है। और महमूद साहब फुटबॉल साथ लेके जा रहे हैं जानू। और माजी, आप खाना रखें। पेट में बास्केट में भाई, पिकनिक पे किसी किस्म की कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए नबील। ओए अल्लाह, मेरे पेट में बड़ी वो हो रही है। वो क्या? वही जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। तकलीफ माँ जी? नहीं, वो जिससे बड़ी हंसी आती है ना वो। अरे क्या वो लगाई हुई है मोमो, खूबसूरत, तुम खुद ही सोच लो भाई। मैं क्या बताऊँ महमूद साहब, मुझे तो गुदगुदी करने पे भी हंसी नहीं आती। गुदगुदी? मेरे पेट में ना बड़ी गुदगुदी हो रही है पिकनिक खत्म हो सोच के। अरे भाई जल्दी करो ना, गाड़ी तो आने दे महमूद साहब। क्या हो गया यार, मैं तो खुद ये सोच रहा हूँ कि समंदर में आप नहा रहे हो और बहुत सारा पानी आए और आप डूब के मर जाएं। कैसी बातें कर रहे हैं यार, कम से कम आज के दिन तो ना लड़े। चले, देर हो रही है, जल्दी से सामान पैक करें। अरे यार बॉस, हम यहाँ क्यों आए हैं यार? समंदर की हवा खाने आए और क्यों आए? समंदर में पानी है तो पी ले। आपको पता है बॉस कि मैं नहीं पीता हूँ। मैं पानी पीने की बात कर रहा हूँ। अच्छा, पानी की बात करें तो पानी तो हमारे घर पे भी इतना अच्छा आता है, नमकीन, कभी कभी कड़वा आता है। अबे वो ढक्कन, ढक्कन, बोतल ढक्कन। बस अब समझ में आया ना मुझे, यहाँ बोतल और ढक्कन जमा करेंगे खाली। समंदर साफ रखना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। मैं तू सोशल वर्कर बन जा बस। वॉट टाइट, बहुत आला, इसमें भी बहुत पैसे। हम यहाँ पे शिकार ढूंढने के लिए आए हैं, समझता क्यों नहीं बात को? मछली का शिकार करेंगे, बहुत मजा आएगा। अबे हम यहाँ लूटने आए हैं। किसको लूटेंगे? दूर दूर तक कोई नहीं है, इसको लूट लें क्या? अबे कोई ना कोई मिल जाएगा, बड़ी बड़ी पार्टी होती है यहाँ पे। पार्टी? हाँ। पार्टी में जाने आए हम यहाँ पे? पहले बता रहा था लंडन से टाइट कपड़े तो ले लेता मैं। अबे मैं उस पार्टी की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं किसी अमीर पार्टी की बात कर रहा हूँ जिसको हम आराम से लूट सके। मेरा मूड बन गया था पार्टी का डांस करना है। अबे चुप कर, चल आगे देखते हैं, कोई ना कोई मिल जाएगा, चल। इतने तो कोई भारी नहीं है, के देखो ना फिर पता चलेगा। यहाँ कितनी अच्छी वो है ना लड़की। यार माँ जी कैसी बातें कर रही है, मुझे तो महमूद साहब के बड़े मुंह के अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा है यहाँ। मैं हवा की बात कर रही हूँ। हाँ माँ जी, हवा तो बहुत तेज चल रही है। जानू तुमने बड़ा ख्याल रखना है अपना, एक आधा पत्थर बांध लेना कहीं उड़ ना जाओ तो। शट अप नबी। ओके जानू। और हाँ नबी, अपनी टी शर्ट खराब मत करना, नई टी शर्ट है, पानी में पहन के गए ना तो बिल्कुल खराब हो जाएगी, और जूतों पे मिट्टी मत लगे। ओ जानू क्या हो गया यार, मैं एंजॉय द लाइफ करने आया हूँ तो मेरी अम्मी बन गई हो यहाँ आके। अगर ये इसकी अम्मी है तो फिर मैं कौन हूँ दलावर? महमूद। अच्छो, मैं महमूद हूँ। चले ना मनवर, समंदर से मछली पकड़ने चल रहे। हाँ हाँ चलो भी चलो। अरे मैं तो समंदर में हाथ डाल के मछली निकाल लेता हूँ। महमूद साहब आप ऐसे मुंह से भी मछली पकड़ सकते हैं, वो जो आप समंदर में हाथ डाल के निकालेंगे वो मछली होगी? नहीं, मगरमच्छ होगा। हाँ फिर मगरमच्छ दोपहर में फ्राई करके खाएंगे। जानू मैं अकेला, ओ यार मेरी बात तो सुनो। हेलो यार, ये क्या है यार, सवाल मैं रखूं। चले मुस्तकीम, पानी में नहाने चलते हैं। अरे नहीं मोमो, अरे ये नमक वाला पानी है। इतने बड़े समंदर में नमक किसने मिला दिया? अरे मेरा मतलब है ये खारा पानी है, ये नहाने के लायक नहीं है। चुपे, आप बड़े गंदे, कहीं कई दिन नहीं नहाते, बहाने ढूंढते, नहीं नहाना मुझे। मैं ना बच्चू साबुन, तौलिया, शैम्पू सब लेकर आई हूँ अपने साथ। अरे ये पानी बड़ा गहरा है मोमो, बंदा डूब भी सकता है। हाय कितना मजा आएगा एक बार डूब कर दिखाई ना पड़ी। अरे तुम सब हाथ धो के मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? इतना ही शौक है ना तो खुद डूब मरो। हाय शौक, देखे कितना बड़ा हाथी। अरे ये हाथी नहीं है, ऊंट है मोमो। अफ्तखार, ये ऊंट दुला देना मुझे, मैं इसी पे सब्जी लेने जाया करूंगी। अरे लेकिन तुम इसे रखोगी कहाँ? अपने घर के लॉन में, बड़ा मजा आएगा। अरे मोमो अगर जावेद साहब ने देख लिया ना
तो उन्होंने हम सबको घर से बाहर निकाल देना है। आओ वॉक करते हैं, आ जाओ। अरे 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 चला, आओ आओ, एक हाथ रखो। चल यार चल, उस पार मजा रहे रेत पे, ये मजा लो। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले, उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। मुझे तो बहुत कमजोरी फील हो रही है। एक्सक्यूज मी, हम दोनों घर पे काम करते हैं, पिकनिक के लिए आए हैं, हम कोई काम नहीं कर रहे। क्या बात की है फुदाना, तूने शाबाश। खूबसूरत माँ जी। हाँ इस वक्त तूने बड़ी खूबसूरत बात की है। आए मैं मुसा, हम खाना निकालते हैं। आए, आए। चलो शाबाश, जाओ तुम लोग खाना निकालो, शाबाश। ये क्या है? पुत्र ये स्त्री है, जाते हुए कपड़े स्त्री तो करने होंगे ना। लोटा? अरे मुमताज, तुम घर से लोटा भी उठा लाई हो यार। हाँ वो मुझे अपने लोटे की आदत है ना शकूर, इसके बगैर ना मेरा मामला खराब हो जाते हैं। ओ ये कपड़े धोने वाला पाउडर क्यों डाल आई है? हाँ पुत्र, अगर कपड़े धोने हुए तो फिर। माँ जी आप यहाँ कौन से कपड़े धोएंगी यार? मैले कपड़ों की गठरी भी लाई थी ना, दूसरी बास्केट में रखी हुई है। अरे मोमो, तुम यहाँ बैठ के कपड़े धोगी? आपसे धुलवाऊंगी मुस्तकीम, यहाँ हवा बड़ी अच्छी चलती है ना, चुटकियों में सूख जाएंगे। अरे खाना कहाँ है यार मोमो? ला जी खाना रखती तो फिर चीजें कहाँ रखती? माँ जी हम खाएंगे क्या यार? कोई नहीं पुत्र, अब तक हार चार छह मछियाँ बड़ी बड़ी पकड़ के ले आएंगे, तो अभी अभी बार भी क्या वो कर दूंगी। अरे तुम चुप करो यार, अब सारा दिन हम भूखे तो नहीं बैठ सकते ना। खूबसूरत तुम एक काम करो, कुछ पैसे दो यार, मैं और नबील बाजार से जाके खाना ले आते हैं। जानू कम से कम 5,000 रुपया देना। उधर मीठे में खीर का कुंडा भी ले। तुम यहाँ गली में भी आई हुई हो अपने? यार नबील, अरे यार यहाँ तो दूर दूर तक किसी होटल या ढाबे का नामो निशान नहीं है यार। महमूद साहब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से ना कुछ 250-250 किलोमीटर दूर ना अली इमरान का ढाबा है, आप वहाँ जाएं, मेरा सलाम कहें और वहाँ से ना खाना लेके आ जाएं, मैं यहीं हूँ। भाई तुम क्यों यहाँ खड़े हो? भाई तुम जाकर लेकर आओ, मैं यहाँ खड़ा होता हूँ। देखिए महमूद साहब आप समझ नहीं रहे, मैं जाऊँगा ना तो कुछ चोर डाकू लूट सकता है ना मुझे भाई। अच्छा तुम मुझे भी तो लूट सकते हैं ना चोर डाकू। महमूद साहब आप तो खुद डाकुओं के सरदार लगते हैं यार, माशाल्लाह इतना बड़ा मुंह है, आपको कैसे लूट सकता है कोई? नहीं नहीं भाई, मैं तुम्हारे बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। यार महमूद साहब मेरा पेट भरना आपकी जिम्मेदारी है, आप मेरे नाक, मेरा मतलब है बाप है यार। अरे नबील तो तुम भी तो बेटे होने का फर्ज अदा करो ना। नबील एक काम करते हैं, वो जो सामने हट है ना वहाँ चलते हैं और उनसे जाकर खाने के लिए कुछ मांग लेते हैं। महमूद साहब इस मुंह पे आपको कोई भीख नहीं देगा यार। अरे हम भीख थोड़ा ही मांगेंगे यार, हम बस थोड़ी सी मदद मांगेंगे। वो जो हम थोड़ी सी मांगेंगे वो मदद होगी? हाँ जी। चले आए उस हट में जाके देखते हैं। आओ आज वो, आज आओ देख लेते हैं। आज वो, आज वो, आज वो। भाई। अरे कौन भाई, किसका भाई? मैंने आपको भाई कहा है। ओ बाबा तुम जैसी शक्ल वाला मेरा भाई नहीं हो सकता। देखो भाई हमें कुछ खाने को दे दो, हमें बहुत भूख लग रही है। वो इतना आटा घटा हो कि तुम भीख मांग रहे हो, तुझे शर्म नहीं आ रही? तो भाई हम भीख नहीं मांग रहे, हम लोग खाना मांग रहे हैं। शर्म करो बाबा, मेहनत मजदूरी करो, जाओ अपना पेट पालो। अरे इस वक्त यहाँ कौन सी मेहनत मजदूरी करें यार। अरे बाबा वो देखो समंदर बाहर आ रहा है, मैं आपको वाइपर दे रहा हूँ, आप इस पानी को पीछे कर दो। ओ भाई तू जानता नहीं है, शख्स को साबित इंसान निगल जाता है, जा जाके अंदर से खाना ला। अरे फिर हमको भी बताओ बाबा तुम कौन है, हम देखेगा ना। नहीं नहीं मामा 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 मजाक, ये मजाक कर रहा था, इसकी आदत है मजाक करने की। नबील भागो। अंदर दो औरतें नजर आ रही हैं। उम्र क्या होगी बॉस? यही कोई
30-35? अरे नहीं बॉस, मुझे 20 की चलेगी, इससे ज्यादा नहीं यार। मैं अपनी उम्र बता रहा हूँ तुम्हें। अरे बॉस, आप तो पक्की उम्र के हो यार, बच्चियों की उम्र बताओ ना मुझे। कोई बात बता, तुझे उम्र का क्या करना है? बॉस, 2 साल से शादी करना चाह रहा हूँ, बात नहीं बनती है, आ जाए बस मौका वो। अबे हम यहाँ पे तेरे हाथ पीले करने नहीं है, माल बटोरने आए हैं माल। अरे बॉस, माल बटोरेंगे तो मेरी शादी होगी ना, लड़की वालों की बहुत डिमांड होती है आजकल, चलो लूटे। अबे तू मैरिज ब्यूरो खोल ले, ये तेरे बस का काम नहीं है, चल निकल। नाराज हो रहे हो ना बॉस, मेरी तरफ से शादी में और कौन होगा, तुम होगे। अबे शादी शादी शादी, एक बार भी अब शादी का नाम लिए ना तो तेरी जान ले लूंगा। नहीं बॉस, गोली मत मारो, शादी में फायरिंग करना मेरी, अभी हटा लो उसको। चल चल जाके देखते हैं, चल। हाय, बड़ी वो लग रही है नसरीन, गर्मी नहीं, गर्मी नहीं, जिसके लगने से पेट में बंदर दौड़ने लगते हैं वो। भूख? हाँ, भूख, बड़ी भूख लगी है कसम। तुम लोग कौन हो और हमारी हट में क्या कर रहे हो? सिंगल गवारा है दिल मेरा, कोई ले जाए इसे क्यों उड़ा के, आशिक आवारा है मन चला, रखा था जो निगाहों से बचा के। दिल सीधा सादा है, मुश्किल इरादा है, ओ है ओ ओ अलियन। हेलो मिस्टर, मैं पूछ रही हूँ कौन हो तुम लोग? मैं लट्टू। किस पे? फिलहाल तो इन पे। तुम लोग निकलो यहाँ से फौरन, प्लीज। अरे बोबो, हम खाना मांगने आए। नहीं बॉस, आपने तो कहा था जेवर मांगने आए। क्या, हमारे शौहर तो खुद खाना लेने गए, अभी आते ही होंगे। अरे बॉस, आप तो कह रहे थे दोनों अकेली हैं। अबे कोई बात नहीं, इनके शौहरों को भी देख ले गंतान। भैया अब घबराए मत, मैं आपको गोली नहीं चलाऊंगा। लेकिन यार मेरी भूख से जान निकल रही है यार। मामूसा, अल्लाह को यही मंजूर था यार। देखे मामूसा, अगर अल्लाह ना करे आपको कुछ हो गया तो हमारे लिए बढ़िया सारी, हम आपको पानी में बहा देंगे। अरे यार मामूसा, कौन आपका इतना भारी मुंह उठाकर इतना लंबा सफर करेगा वापसी का? अच्छा भाई, मरना कैंसिल, चलाओ। चले यार मामूसा, अभी तो माँ जी और खूबसूरत की बहुत सारी बातें सुननी पड़ेगी। यार चलाओ, चल आया आया। माफ करना भाई, मेरा ख्याल आप लोग ना गलत हट में आ रहे हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं मुस्तकीम? अरे कौन मुस्तकीम बहन जी, मैं तो महमूद हूँ। चलाओ यार ने भाई। अबे रुको, यही ना तुम दोनों के शौहर? हाँ यही है हमारे शौहर। ये इस छोटी शर्ट वाले से तो अच्छा मैं हूँ, मेरा फेस कट देखो कैसा मॉडल लगता हूँ ना। अरे वीर, ये लोग हमसे पैसे मांग रहे हैं यार। हाँ तो जानू, 100-200 दो और फारिग करो इनको। अबे हमें 5 लाख रुपए चाहिए, पूरे 5 लाख। 5 लाख? अबे 5 लाख कहाँ से लाएंगे न्योले हम? 5 लाख रुपए अरेंज कर ले, वरना तेरी बीवी हाथ से जाएगी। अबे हाथ से नहीं, जान से जाएगी, जान से। बोल नहीं बॉस, मैं कैसे मार सकूंगा इसको? नहीं मार सकूंगा मैं ना, मैं मार के दिखाऊं तुझे। अरे आंटी क्या हो गया, ये कोई खेलने की चीज थोड़ी है। अरे तुम ऐसा करो, जाके पैसों को बंदोबस्त करो फौरन, चलो। देखो भाई, मेरी बीवी को बेशक गोली मार देना, लेकिन अगर मेरी माँ को एक भी जख्म आया तो मैं तुम लोगों की नस्लें मुका दूंगा। नबील, देखा सुना तुमने, नहीं करता तुमसे सच्चा प्यार ये धोखेबाज। क्या करें यार नबील, कहाँ से लाए इतने पैसे? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा महमूद साहब, हमें इतने पैसे देगा कौन भाई? अब क्या करें महमूद साहब? भाई मैं तो कहता हूँ ऊपर वाले को शायद यही मंजूर था, हमारी बीवियाँ थी बड़ी नेक नबील, हमें याद बहुत आएंगी। महमूद साहब, वहाँ मेरी माँ जी भी है और मैं अपनी माँ को हर सूरत बचाऊंगा। हाँ तो बचा लो भाई। हाँ पापा जी को फोन करता हूँ, एक सेकंड महमूद साहब, मैं अपने प्यारे पापा जी से हेल्प लूंगा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम पापा जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं जी पापा जी? वो एक्चुअली थोड़ा सा काम था पापा जी। पापा जी वो एक्चुअली हुआ ये है कि खूबसूरत और माँ जी की जान खतरे में है, डाकू जो है ना वो 5 लाख मांग रहे हैं। पापा जी मैं झूठ नहीं कह रहा मैं, पापा जी आप मेरी बात का यकीन करें। हेलो हेलो पापा जी, हेलो हेलो हेलो, फोन काट दिया पापा जी ने यार, इस शख्स की वजह से सारा कुछ हो रहा है।
अगर ये शादी में मुझे छोटा सा आइलैंड गिफ्ट कर देता यार, आज इन डाकुओं का सामना तो ना करना पड़ता। हाँ नवील, कह तो तुम ठीक रहे हो यार। अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, ऐसा कर दो, व्हाट्सएप को फोन करता हूँ, शायद वो हमारी ना कुछ मदद कर दे। हेलो हेलो भट साहब, कैसे हैं भट साहब? भट साहब हमें ना आपकी छोटी सी एक मदद चाहिए, हमें ना सिर्फ 5 लाख रुपए चाहिए। हेलो हेलो, हाँ भट साहब, भट साहब 5 लाख, भट साहब 5 लाख। फोन ही काट दिया नबील उन्होंने, अब क्या करें? आइडिया मेमू साहब। क्या? अपना बालों वाला कान इधर लाए। चलो बाबा इधर ही, इधर ही करना ये है मेमू साहब। भाई टट्टू, तू ही मुझे कुछ खाने को ला दे, वरना इस कमसिन कली का फोन तेरे सिर पे होगा। अबे चुप कर बुढ़िया, बता पैसों का बंदोबस्त हुआ? जी जी बिल्कुल हो गया, हमारा बंदा जो है ना वो 1 घंटे में पैसे लेकर यही आ रहा है। तुमसे एक काम भी सही तरह नहीं होता नबील, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। होश होश निसरीन, अब तुझे क्या हुआ है? मेरी आंखें खुल गई हैं माँ जी, मुझे इस आदमी से शादी करनी ही चाहिए थी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। सुरत, तुम एक डाकू के सामने मुझे जलील कर रही हो, बेइज्जत कर रही हो, बातें सुना रही हो। तुमसे अच्छा तो डाकू है, कम से कम कोई काम तो करता है ना। देख कफील, सुना अपनी चुड़ैल को, मुंह तोड़ इसका। अभी ले माँ जी, खूबसूरत तुम एक अजीम और खूबसूरत इंसान की बीवी बनने के लायक ही नहीं थी। ये चीज मेरा बच्चा, ये चीज घर जाते ही ना मैंने अपने लिए एक बहू लानी अच्छी सी। थैंक यू माँ जी, थैंक यू। सही किया वैसे आपने, उस फारिग आदमी को बातें सुनाकर। आप बोले तो उड़ा दूं उसको। उड़ा दूं मतलब? तो गोली मार देता हूं ना। नहीं नहीं गोली ना मारो, देखो गोली मार दी तो तुम जेल चले जाओगे ना। पगली, तुम्हें इतनी फिकर है मेरी? अब नहीं, अब इतनी भी नहीं थी। समझ गया, मैं समझ गया, तो मुझे पसंद करने लगी हो ना? हाँ शायद। मुझे पता था, जिस तरह से तुम मुझे वहां देख रही थी ना प्यार से। हाँ लेकिन तुम्हारा और मेरा कोई जोड़ नहीं है ना। देखो अगर तुम बॉस होते तो मैं सोच भी सकती थी, लेकिन तुम तो एक मामूली से चोर हो। नहीं, नहीं, नहीं। मैं मामूली से चोर नहीं हूँ, सारी प्लानिंग मैं करता हूँ, बॉस तो सिर्फ हुकुम चलाता है बस। अरे वही तो मैं कह रही हूँ, बॉस तुम्हें होना चाहिए था ना भाई। तुम ठीक कह रही हो, मैं बॉस बनूंगा, फिर हमारी शादी होगी और हम दोनों मिलके डकैतियां डाला करेंगे। आओ कम ऑन, बात डन डन, आओ चलो। पैसे आने ही वाले होंगे। वैसे टप्पू भाई आपका ना, आपकी जगह पप्पू भाई आपका ना मुंह ही बड़ा, वैसे मासूम आदमी है। बहुत ही मासूम आदमी है आप। क्यों बे? अच्छा ये बताएं कि उन 5 लाख रुपए का आप करेंगे क्या? अरे मैं और लट्टू आधे आधे बांट लेंगे और क्या। अरे आधे आधे क्यों भाई, लगड़ बगड़ जितना मुंह है आपका, बॉस तो आप हैं और वो तो आपका मेला है। अरे मेला नहीं, चेला है, चेला चेला है, चेला बल्कि लेला लगता है कभी कभी। भाई बॉस को ज्यादा पैसे मिलने चाहिए ना, आप चालाक हैं, ज़हीन हैं, इंटेलिजेंट हैं और बहुत मनहूस भी हैं। क्या? अरे इसको छोड़े यार, आप जाके अपने चेले से कहे कि आप बॉस हैं, वो 5 लाख रुपए आप रखेंगे। और सच्ची बात ये है महमूद साहब कि वो 5 लाख हमने इन्हीं को तो देने हैं। हाँ, और क्या? हाँ, हाँ, हाँ। ए, सच? हाँ ना। मैं अभी लट्टू के मिजाज चिकाने लगा के आता हूँ, तुम लोग यही रुको। ठीक है जी, अच्छा जी, ठीक है ठीक है ठीक है, थीक मैं जा रहा हूँ। ठीक है। अबे ओ लट्टू, अबे ओ
वाह पप्पू। अबे वाह, सीधा बॉस से पप्पू पे आ गया। हाँ तो तू बॉस कहलाने के लायक भी कहाँ है। ए, चल तू किस किस्म का बॉस है, 5 लाख रुपए में से एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुझे। मैं भी अपनी खूबसूरत की कसम खाता हूँ, तुझे 5 लाख रुपए को हाथ नहीं लगाने दूंगा। ए, अच्छा वो पैसे मेरे हैं। मेरे है, मैं तुझे हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। नहीं लगाने खबरदार, जो कोई अपनी जगह से हिला फोन के रख दूंगा। बॉस अब क्या होगा, खूबसूरत जानू। ओए खबरदार, मेरी बीवी को जानू का मुंह पे तेजाब फेंक दूंगा। मैं और खूबसूरत एक दूसरे में इन्वॉल्व हैं। ओ शट अप, मैं सिर्फ तुम्हें बेवकूफ बना रही थी ताकि तुम अपने बॉस से लड़ो और हम लोग तुम्हारी गने ले सके। वेरी गुड शकीला, वेरी गुड। बॉस अब क्या करेंगे, अब बच्चू जेल जाओगे। चल यार चल, इस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं।